थंबनेल में आपने देखा कि मैं आपको यहाँ पे आधार सेंटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ तक पहुँच गए। तो एक्चुअल में क्या मैं सही में यहाँ पे आधार सेंटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ आप हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपको आधार कार्ड का जो आईडी है वो प्रोवाइड कर दें। तो गाइस ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी, मोबाइल पे मैसेज में, व्हाट्सएप पे, कॉल पे ये बोला जा रहा है कि सर अगर आप आधार कार्ड सेंटर चाहिए तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 मतलब कुछ भी एक अमाउंट आपसे ले लेते हैं और बाद में पता चलता है वो आपके पास पहुंचाएंगे। वो तो एक फ्रॉड कॉल था और आपको आईडी तो छोड़िए कुछ मिला ही नहीं हूँ और आपका पैसा भी चले। तो हाय, नेम इज सिद्धार्थ और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल सिद्धार्थ में। आज मैं ऐसे ही फ्रॉडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे बहुत सारे लोगों से ये फ्रॉड हो रहा है आधार कार्ड सेंटर के नाम पे, आधार कार्ड अपडेट के नाम पे, कैसे लोगों से ये आधार कार्ड के झूठे अपडेट दे दे के उनसे पैसे फ्रॉड कर रहे हैं, यानी कि लूट रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कैसे लोगों से बहुत सारे फ्रॉडर ने इस आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉडिंग करने की कोशिश की और न जाने कितने लोगों से उन्होंने फ्रॉड किया। एक चीज आप ध्यान दें कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो पर्सन होते हैं, ऐसे व्यूअर मतलब ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जाते हैं एंटरटेनमेंट वीडियो देखते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये सभी वीडियो देख के वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है रियल लाइफ में लोगों के साथ, क्योंकि अभी के डेट में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो अपडेट सबसे पहले आपको यूट्यूब गूगल पे ही मिल जाता है। तो ज्यादातर लोग इन चीजों पे ध्यान देते नहीं। तो मैं ऐसे ही स्क्रोल कर रहा था, बहुत सारे वीडियो मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से ठगी हो रहा था। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज और मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिनमें कि मुझसे मतलब बहुत सारे लोगों से ही बोलता है आप ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ तक कि वो इतने सस्ते अमाउंट बताते हैं कि लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। वो लोग कॉल करके ये बोलते हैं सर अगर आप ऑनलाइन अपडेट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उनके पास होता है तो करेगा कहाँ। और जानते हैं कि आधार कार्ड अपडेट में बहुत अच्छे इनकम होते हैं, इनके पास है तो वो लूट रहे हैं लोगों को, तो बस इसी लूटने के चक्कर में वो खुद लूट जाते हैं। तो जब उनसे कॉल करके बोलते हैं सर आपको चाहिए क्या, तो वो लोग बोलते हैं हाँ चाहिए, तो वो लोग पहले पूरा पैसा लेते नहीं। सबसे पहले वो बोलेंगे सर मुझे आप इतने पैसे दीजिए, मान लीजिए 5,000 उन्होंने मांगा, बोला कि आपको 12,000 में आईडी मिलेगा लेकिन आपको अभी 5,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप आईडी का पूरा पैसा दें। तो लोग यहाँ पे लगता है नहीं चलो ये हमसे तो अभी हाफ ही पेमेंट मांग रहा, जब मेरा काम हो जाएगा तो फुल पेमेंट मांगा। लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आता कि वो 5,000 पैसे नहीं है, अगर उन्हें 20,000 लूटना हो तो वो 40,000 बताएंगे, 10,000 लूटना हो तो 20,000 बताएंगे, तो उन्हें 5,000 लूटना तो उन्होंने 12,000 बताया कि आप 5,000 दीजिए बाद में और दे दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो 5,000 उन्हें दे देते हैं और वो लोग क्या करते हैं उन आईडी के नाम पे फ्रॉड कर लेते हैं। यहीं तक नहीं वो लोग रुकते हैं, वो क्या करते हैं उनको एक कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं जिनसे कि उनको लगता है कि हाँ मेरा आईडी बन गया, और कुछ ऐसे वेबसाइट के लॉगिन आईडी दे देते हैं जहाँ पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड इनको मिल जाता है और वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको सही में लगता है कि आधार अपडेट का काम हमको मिल गया और वो लोग ये काम कर लेते हैं। और जैसे ही वो करने के बाद उनसे बोलता है कि सर और पेमेंट दीजिए, और जैसे ही ये लोग फुल पेमेंट करते हैं तो पता चलता है वहाँ पे आधार कार्ड काम ही नहीं कर रहा, अपडेट हो ही नहीं रहा, तो बस यहीं पे उसका खेल खत्म है। और जब वो लोग कॉल करते हैं तो क्या है स्विच ऑफ नेटवर्क छेद से बाहर। अब भी का जो डेट है यहाँ पे अगर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। ये अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हमसे बात भी किए हैं जो कि मतलब पुलिस के पास तो बात करते ही नहीं, बोलते क्या करेंगे सर वहां से भी कोई अपडेट मिलता नहीं। अभी के डेट में एक बात हमेशा याद रखिए कि इतना आसान नहीं है आधार कार्ड का आईडी लेना, ये बात आप लोग भी ध्यान दीजिए। अगर इतना ही आसान रहता तो हर एक साइबर कैफे की दुकान में आपको आधार कार्ड का आईडी मिल जाता, जैसे आपको पैन कार्ड का आईडी मिल जाता है, बहुत सारे यहाँ पे CSP का आईडी मिल जाता है, APS सिस्टम का आईडी मिल जाता है। तो उसी प्रकार अगर आसान रहता आधार कार्ड का आईडी मिलना वो इजीली मिल जाता, सब लोग लेते, फिर आपको ही क्यों कॉल कर, ये बात भी समझने वाली बात। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि वो लोग पहले पैसा नहीं मांगते हैं, पैसा मांगने का तरीका देखिए उन लोगों का, वो लोग बोलेंगे सर हम आपसे 1 रुपए नहीं ले रहे, बस आपको पोर्टल पे जाना है और आपके वॉलेट में पेमेंट करना है, वो आप ही का वॉलेट हो। तो लोग बोलते हैं चलो हमसे तो कोई पैसा मांग नहीं रहा, तो इसके कारण क्या होता है कि वो लोग चले जाते हैं जो वो पोर्टल प्रोवाइड करते हैं
वहां पे चले जाते हैं और वहां पे कुछ अकाउंट बना रहता है, बोलता सर ये आपका अकाउंट है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल दीजिए और वो आपके ही अकाउंट में रहेंगे, वॉलेट में रहेंगे, और जैसे जैसे आप किसी का आधार अपडेट करेंगे तो वो 50-50 रुपए कटेंगे। और जानते हैं इस वॉलेट में कम से कम मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, 3 से 5। सोचिए अगर हमें लोगों का आईडी मतलब लोगों का कोई भी अपडेट करना हो जाता है तो हम 50 रुपए कटा सकते हैं, हम उसमें 100 रुपए भी तो रख सकते हैं, लेकिन नहीं सर वहाँ पे 3,000 से 5,000 रखे तभी आप कहीं वर्क करें। तो सोचने वाली बात है कि कैसे वो लोग लालच दे, लेकिन जहाँ पे लोग लालच का तो शिकार होना है तो ऐसे में वो लोग हो भी जाए। तो देखिए यही था एक कुछ, मैंने सोचा आप लोगों को गाइड कर दूं कि देखिए अगर कोई आपसे ये बोले ऑनलाइन कॉल करके, मतलब व्हाट्सएप पे कॉल करके या ऐसे भी कॉल करके या कोई वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कि सर हम आपको आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं आधार कार्ड का, आप लीजिए, आपसे बहुत कम चार्ज करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग ध्यान रखिए कि वहाँ से आपको कोई भी आईडी नहीं मिल रही, वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला, तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए। बहुत लोगों के साथ ये हो चुका है, अगर आप एक बार यूट्यूब पे जाते हैं वहाँ पे सर्च करते हैं आधार कार्ड फ्रॉड, आधार कार्ड ये वो बहुत सारी चीज़ें अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ ये फ्रॉड, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आए हैं, तो आप लोग भी इनसे बच करिए। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे भी वीडियो बना के दिखाए हैं, लाइव दिखाए हैं जिनमें कि लोगों के साथ कैसे फ्रॉड हुआ। देखिए थोड़ा सा पैसा का लालच करने के चक्कर में आप लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच कर रहिए। बस मेरा तो यही है कहना है कि आप लोग इनसे जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा होगा। अगर कोई फ्रॉडर सा आप कॉल करता है इनसे भी चीज़ से रिलेटेड, तो सबसे पहले बात तो आप उठाइए, अगर उठा लेते हैं तो काट दीजिए, बात ही नहीं करना तो फिर फ्रॉड कहाँ से होगा, और लालच लगेगा तो आराम से कीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें, और ये जरूर बताइए क्या आपके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है या फिर आपके पास ये कॉल आया, ये जरूर कमेंट में आप बताइए।